अस्सलाम वालेकुम पाक विलन, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आज आपके लिए एक डिफरेंट किस्म की वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले हम आपके लिए वीडियो रिव्यूज़ लेके आते रहे जिनमें एक्सपर्ट रिव्यूज़ और यूज़र रिव्यू शामिल हैं। साथ साथ हम लोगों ने देखा था आप लोगों की फीडबैक के मुताबिक के लोगों को बजट सीरीज़ के अंदर जो गाड़ियाँ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जो एक सर्टन बजट के अंदर आती हैं, और उसके लिए हमने बजट सीरीज़ रिव्यू शुरू किए थे। आज का जो बेसिकली एपिसोड है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्योंकि पाकिस्तान में नई गाड़ियाँ जो हैं वो एक आम आदमी की रीच से बाहर होती जा रही हैं, और यूज़ गाड़ी जो है वही एक बेस्ट ऑल्टरनेट है एक आम आदमी के लिए जो कि नौकरी पेशा है या एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ गाड़ी खरीदना चाहता है। अक्सर होता ही है कि हम लोग जब यूज़ गाड़ियाँ लेने जाते हैं और मार्केट में शोरूम पर जाते हैं तो लोगों को बड़ी चमचम करती गाड़ियाँ नज़र आती हैं, बट अगर वो किसी घर से गाड़ी लेने जाते हैं या किसी दोस्त से गाड़ी लेते हैं तो उनको वो गाड़ियों के अंदर जिसे कहते हैं ना एक वाव फैक्टर नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कितने पैसे लगा के आप किसी एक नॉर्मल गाड़ी को जो कि घर की गाड़ी है उसको उस वाव कंडीशन में लेके आ सकते हैं। सो अभी हम ये देख सकते हैं गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो बिल्कुल पीली हुई हुई हैं, अगर आप देखें तो बिल्कुल मध्यम सी हैं, और क्योंकि गाड़ी का जो मेन फेस है वो उसकी हेडलाइट होती है, और ये भी और उसकी फॉग लैंप्स दोनों जो हैं वो गाड़ी को एक बड़ी पुरानी लुक दे रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप इसी को जो है बफ करवा के दोबारा लगवा सकते हैं एंड इट विल बी एज गुड एज ब्रांड न्यू, और उसमें ज़्यादा खर्चा भी लेता है और आपको साथ साथ उसके खर्चे बताते रहेंगे। अगर आप गाड़ी की साइड पे आ जाएं तो स्टैटिकली वैसे अगर इसकी बॉडी देखें हम तो बॉडी तो गाड़ी की माशाल्लाह साफ है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे इसकी साइड पट्टी है ये उतरी हुई है, और बाकी एक्सटीरियर में ऑलमोस्ट ये गाड़ी कंप्लीट है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर के अंदर फंक्शनैलिटी वाइज काफ़ी इशूज़ हैं जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं बिकॉज गाड़ी की एज जो है 12-13 साल पुरानी है। सो हमको मैं दिखा देता हूँ, एक तो सब ये अक्सर गाड़ियों में देखा जाता है कि जो पुरानी गाड़ी हैं और उनके अंदर पावर विंडोज़ हैं, तो अगर आप इसकी पावर विंडो देख सकें तो ये नीचे तो आ जाएगी, बट जब ऊपर जाती है तो ये बहुत आहिस्ता जा रही है, कभी कभी रुक भी जाएगी। एक तो इसकी वजह ये होती है कि ये देखें अभी रुक गई है, बिल्कुल काम करना छोड़ गई है। सो एक तो इसके इलेक्ट्रिकल का मसला भी हो सकता है, दूसरा विद टाइम इसका जो होता है चैनल जिसको बोलते हैं उसके अंदर मिट्टी कचरा वो भी फंस जाते हैं, बट ये क्योंकि अभी नीचे भी नहीं जा रही और ऊपर भी नहीं आ रही तो इस केस में मेरा ख्याल है इसके जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज़ हैं उनके अंदर जो कार्बन होगा उसको देखेंगे। स्टेयरिंग व्हील अगर आप देखें तो ये बिल्कुल फटा हुआ है, हालाँकि गाड़ी ओरिजिनल अभी चली हुई है 1,18,000 किलोमीटर जो कि इतनी ज़्यादा माइलेज नहीं है, बट जो स्टेयरिंग व्हील है ऑब्वियसली 13 साल से गाड़ी इस्तेमाल में रही है तो हाथ लगने की वजह से उसके यूज़ की वजह से वो जो वेयर एंड टेयर है वो है। आप इसका गियर नॉब अगर दिखा सकें तो गियर नॉब जो है बिल्कुल बहुत बुरी हालत में फटा हुआ है, तो उसकी वजह ये जो है ये ख़राब है, इसको सही कराना है। ये इस गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, इसका जो एसी के साइड के वेंट हैं ये बाहर आया हुआ है। इसी तरह अगर आप इधर पैनल देखें तो ये भी टूटा हुआ है। ये तमाम गाड़ियाँ जो इस मॉडल की 2002 से लेकर 2008-07 तक आई थी ऐसी सलून गाड़ियाँ थी, XL आई थी, GL आई थी, उन तमाम में ये कॉमन प्रॉब्लम थी। बाकी एक सीट बेल्ट इसका मुझे अभी सबसे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मसला, इस जो सीट बेल्ट है इट है इज सपोज टू गो बैक, ये जब आप लगा लेते हैं एक तो ये जहाँ लग रही है वो स्विच टूटा हुआ है, ये निकलने के लिए आया था बट इसका एक कवर टूटा हुआ है, एक तो ये हमने अरेंज करना है। दूसरा इस सीट बेल्ट को लगने के बाद जब ये टाइट करते हैं तो इसको वापस जाना चाहिए अपनी जगह पे, जो कि ये नहीं जा रही। सो अगर खुदा ना खास्ता एमरजेंसी ब्रेक लगेगी तो सीट बेल्ट का जो फंक्शन है कि ये मुझे रोके ये रोकेगी नहीं, तो ये इसका जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा। इसके अलावा गाड़ी के एसी के अंदर एक स्ट्रेंज सी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो एसी है उसको जब हम चलाते हैं तो ये 1, 2, 3 पे तो काम करता है, 4 पे जाके ये 3-4 सेकंड बाद काम छोड़ देता है। ये भी हमने इसको 4 पे किया ना अगर इसको फ़ैन को तो ये थोड़े से बाद काम छोड़ देगा। सो ये काम है। इस तरह बाकी गाड़ी के अंदर की इंटीरियर अगर आप देख सकें ये गंदा हुआ हुआ है, इसकी एस्थेटिक वाइज अगर देंगे तो डिटेलिंग होगी गाड़ी के तमाम पार्ट्स जहाँ पे निशान आपको नज़र आ सकते हैं डिफरेंट हिस्सों के ऊपर, आप इधर देखें पाँव के निशान हैं, हैंड ब्रेक के करीब, दरवाज़ों के पैनल्स के अंदर, मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ गाड़ी गाड़ी का जो वेयर एंड टेयर एज के साथ होता है। इसके पैनल्स के ऊपर आप देख सकते हैं मिट्टी लगी हुई है, सीटों की हालत देखें अभी क्या है, छत की हालत देख सकते हैं, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो कि विद टाइम गाड़ी की ऑब्वियसली यूज़ होती रही है गाड़ी और उसको उतना ख्याल नहीं रखा गया, तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो कि बड़े आराम से रिस्टोर हो सकती हैं एस्थेटिक्स में आती हैं। इसी तरह अगर गाड़ी के एक्सटीरियर पर देख सकें निशान है कई जगहों पर, स्क्रैचेज लगे हुए हैं, ये भी गाड़ी जब कंपाउंड की जाएगी तो उसकी भी मैं आपको कॉस्ट बता दूंगा कितनी कॉस्ट में है, बम्पर जो है ये पेंट होने वाला है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो चीज़ें अंदर गई हुई हैं विद टाइम, ये सारे जो इंटीरियर के अंदर इसके जो चीज़ें हैं गंदगी है ये साफ़ होने वाली है। आगे अगर आप उस तरफ आ जाए तो आपको इस साइड से भी दिखाते हैं, बॉडी गाड़ी की बहुत क्लीन है। मैं हमेशा बताता हूँ कोई भी यूज़ गाड़ी ले रहे हो उसमें आपको दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो वो उसकी बॉडी अगर साफ़ है या इस हालत में है कि आराम से रिस्टोर हो सकती है विदाउट बीइंग इसकी जो बेसिकली गाड़ी की आप उसको कहते हैं ना कि उसकी जो मेन बेसिक फ्रेम है जिसमें उसके पिलर्स आते हैं उसके मेन फाउंडेशन आती है, अगर वो एक्सीडेंटेड नहीं है तो आप किसी भी गाड़ी को अगर उसका दरवाज़ा स्प्रे भी है या नहीं भी है डजंट मैटर, आप वो गाड़ी इस्तेमाल के लिए लेनी है वो देखने में खूबसूरत होनी चाहिए और मैकेनिकली साउंड होनी चाहिए। सो ये इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। अगर आप बोनट भी आपको दिखा सकें
तो वो भी, एक तो इसकी बैटरी वीक थी, बैटरी मैंने नई लेके डाल दी है। बाकी आपको पूरे बोनट की भी सूरत हाल नज़र आ रही, कितनी है, कैसी हालत में है, और कोशिश करेंगे जब इसको दोबारा, क्योंकि अभी एसी की सर्विस भी मैं कराऊंगा, एसी की मैंने आपको बताया आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे आप देखें तो कंडेंसर, रेडिएटर, तमाम चीज़ें तकरीबन चौक हैं, फुल मिट्टी से भरी हुई हैं। इसी तरह इंटीरियर जो है गाड़ी का, जो इंजन जो है, इंजन बे जो है, उसको भी अगर आप देखें तो बिल्कुल एक बुरी हालत में है। कोशिश करेंगे इसको भी अपनी बेहतरीन हालत में, जिस तरह एक कंपनी से आई थी, वैसे रिस्टोर करें। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी को लेके इसके अंदर जो जो काम होने वाले हैं वो करेंगे और आपको बताएंगे कि इस पर कितनी कॉस्ट आई। सो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता रहता हूँ कि क्या क्या काम किया गया। इसकी हेडलाइट जो है उसकी सर्विस की गई है, उसके बाद अगर आप आएँ तो इसके इंजन की डिटेलिंग की गई है, वो भी आपको दिखा देते हैं। अगर आप इस तरफ आएँ तो गाड़ी के इंटीरियर की अगर हम बात करें, तो इंटीरियर के अंदर मैंने आपको बताया था थोड़े पॉइंट से, एक तो ये पट्टी ख़राब थी, इसको रिपेयर कराया गया, डबल टेप लगी सिंपल। फिर इसका जो शीशा है वो मैंने आपको बताया था कि ख़राब है, तो विद टाइम उसकी मोटर ख़राब हो गई थी, वो ऊपर नीचे सही नहीं होता था, अड़ता था। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल अगले दोनों शीशे जो हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। स्टार्टिंग में इशू था गाड़ी का जो डेनमो जिसको बोलते हैं, जनरेटर या सेल्फ बेसिकली इसका ख़राब था, वो अड़ता था। अब आप इसको स्टार्ट करके देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। तो सेल्फ रिपेयर हुआ, 1500 रुपये उसका खर्चा आया था। इसी तरह स्टेयरिंग जो है, इसका स्टेयरिंग रिपेयर हुआ, स्टेयरिंग फटा हुआ था, वो नया बना है, गेयर नॉब बनी है। सो स्टेयरिंग व्हील 2500 रुपये का बना, गेयर नॉब 1000 रुपये की बनी। सिमिलरली आपके इंटीरियर की पूरी डिटेलिंग होने वाली थी। एसी मैंने आपको बताया था ख़राब था इसका, एसी सर्विस हुई तकरीबन 2500 रुपये की, मगर फिर भी जो इसका एसी का स्विच है वो ख़राब था, जब इसको 3 या 4 पे चलाते थे तो वो बंद हो जाता था। तो एसी स्विच रिपेयर हुआ, 2500 रुपये की एसी की सर्विस हुई, 2000 रुपये का यूज स्विच बिलालगंज से मिल गया। एसी जो मोटर इसकी रिपेयर हुई है वो भी 2500 रुपये की हुई हैं। सिमिलरली एक और मैंने आपको इसमें इशू बताया था कि इसकी जो सीट बेल्ट थी वो आपको याद होगा फ्री थी, तो सीट बेल्ट जो है वो बिलालगंज से यूज ली गई है, 1500 रुपये इस पर लगे हैं और ये बिल्कुल अपनी ठीक पोजीशन पे आ गई है। इसके अलावा इंटीरियर की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी, आप कारपेट के नीचे देख सकते थे, पहले मिट्टी थी और काला था सारा, वो तमाम जो है डिटेलिंग कराई गई है इसके एक एक बॉडी पार्ट की। आप पैनल्स को देख सकते हैं, छत को देख सकते हैं, पूरी गाड़ी की जनरल सर्विस कराई गई है इंटीरियर की, एक्सटीरियर कंपाउंड पॉलिश कराया। सो उस पर भी तकरीबन आपका 6 से 7 हज़ार रुपये टोटल डिटेलिंग, इंजन, एक्सटीरियर, इंटीरियर सारा कुछ मिला के लगता है। तो इसका जो टोटल अगर आप पैकेज बनाएं तो 26 से 27 हज़ार रुपये इस गाड़ी के ऊपर मेरा खर्च आया। और ये गाड़ी आपने पहले भी देखी थी किस हालत में थी, आप भी कोई गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, किसी के घर से लेने जाते हैं, तो लोग परेशान रहते हैं कि जी गाड़ी शोरूम कंडीशन पे नहीं है या देखने में हमें अच्छी नहीं लगती। तो इस वीडियो को बुलाने का बेसिकली मकसद ये था कि आप भी किसी भी गाड़ी को लेके एक बड़े, एक जिसे कहते हैं नॉमिनल बजट के अंदर, उस गाड़ी को ऐसी कंडीशन में लेके आ सकते हैं जो कि आप फ़ौरन देख के कहें कि हाँ मैंने ये गाड़ी ख़रीदनी है। तो जब भी यूज़ गाड़ी लेने जाएं तो गाड़ी में ऐसी चीज़ें देखें जो कि गाड़ी की, जिसे आप बेसिक्स कहते हैं। सो अगर आप गाड़ी यूज़ गाड़ी ख़रीद रहे हैं, पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करें, वो आपको गाड़ी की इंजन, पेंट, सस्पेंशन, तमाम जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपको 100% रिपोर्ट दे देंगे। बाकी रहेगी जिस तरह की कॉस्मेटिक चीज़ें हैं या थोड़े बहुत काम है, जिस तरह मैंने आपको बताया इस गाड़ी पर कराने पड़ते हैं, तो रेडीली मार्केट में आपको एक्सपर्टीज़ भी अवेलेबल हैं और बहुत कम खर्च के अंदर आप गाड़ी को एक ऐसी कंडीशन में लेके आ सकते हैं जिसको आप अपने और अपनी फैमिली के लिए रिलायबल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगाह करते रहा करें, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर आपके लिए मजीद नई वीडियो लेके आते रहें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने के दोनों वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।